मसूरी में हरतालिका तीज धूमधाम से मनाई गई। मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय महिलाओं के साथ नेपाली महिलाओं ने हिस्सा लिया है। नेपाली गायिका सोनाली राई और मनीषा आले ने नेपाली गीतों से कार्यक्रम का समा बांध दिया। आज हम यहाँ पर हरितालिका तीज उत्सव जो कि मसूरी व्यापार मंडल द्वारा आयोजित किया गया है यहाँ नेपाली कम्युनिटी के लिए, उस अवसर पर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। उसके लिए हम बहुत धन्यवाद हैं, आभारी हैं कि हमें यहाँ आमंत्रित किया गया है। जो ये त्यौहार है हमारे लिए बहुत ही उत्साह उल्लास से मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसके लिए मैं सभी को बहुत बधाइयाँ शुभकामना देती हूँ कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस त्यौहार को बहुत ही खुशी के साथ मनाया जाए, ताकि ये जो जितनी भी हमारी स्त्रियाँ हैं, दीदी हैं, बहनें हैं, अपनी पति के लंबे आयु के लिए प्रार्थना कर सके, उनका व्रत जो निर्जला व्रत होता है वो उनका सफल हो सके, उनके परिवार को भगवान शिव अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँ। आज हरतालिका तीज का शुभ पर्व है और ये उत्सव, ये पर्व हम पिछले करीब कई साल से मनाते हैं, लेकिन पिछले दो वर्षों से ये मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन निरंतर रूप से कर रहा है और इसमें समस्त हमारे समुदाय के लोग, हमारे आसपास रहने वाले व्यक्ति, महिलाएं, सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आज विशेष रूप से सोनाली राई जी और मनीषा आले जी, जो नेपाली प्रसिद्ध गायिका हैं उत्तराखंड की, उनको भी बुलाया गया है विशेष तौर पर। कुछ नृत्य भी हैं और समस्त मसूरी से, समस्त नेपाली और गोरखाली समाज के लोगों के साथ साथ सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर आज ये त्यौहार मना रहे हैं।